हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विंडो 11 में सर्च हाईलाइट को कैसे इनेबल और डिसेबल करते हैं वो देखेंगे। और प्लीज गाइस, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नया वाला सर्च हाईलाइट दिख जाएगा। यदि आप इसको इनेबल और डिसेबल करना चाहते तो इसको कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट के ऊपर आपको राइट क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में दिख जाएगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा सर्च परमिशन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा मोर सेटिंग, इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा शो सर्च हाईलाइट। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऑन होगा। यदि आप इसको बंद करना चाहते हैं यानी आप इसको डिसेबल करना चाहते तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसको ऑफ कर देना है। ऑफ होते ही ये डिसेबल हो जाएगा। अब आप यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यानी पुराना वाला जैसा दिखता था ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा। यदि अब आप इसको नए वाले जैसे दिखाना चाहते हैं यानी सर्च हाईलाइट आप दिखाना चाहते हैं, यदि आप इसको इनेबल करना चाहते हैं ऑन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आपको फिर से इसको ऑन कर देना है। ऑन होते ही इस तरह से ऑन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे तो इस तरह से आपके केस में भी दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको इनेबल डिसेबल यानी ऑन ऑफ कर सकते हैं। और प्लीज गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।